हाय फ्रेंड, मैं हूं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दो से तीन अपडेट बताने वाला हूं जो कि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है। पहला तो आप देख ही रहे होंगे, ये देख सकते हैं यहां पे मिश्र धातु निगम लिमिटेड का, ये है हैदराबाद का, ये अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं फीटर के 50 को सीट है और इलेक्ट्रिशियन के लिए 48 को सीट है, मैकेनिस्ट के लिए 20 को है, टर्नर के लिए 20 को और वेल्डर के लिए 20 को, यानी टोटल पोस्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 158 पोस्ट इसमें दिया गया है। पहला तो ये अपडेट है। और दूसरा अपडेट जो है वो है कोटा अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो आ गया है मैसेज, वो अपने अपने ईमेल पे चेक कर सकते हैं, जीमेल पे जाके, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, वो भी मेरे पास है फ़ोटो, मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से आया है, हैदराबाद का ये अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल मैं आपको बता ही दिया हूँ। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया है ये आपको मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं मेरिट के बेस पे होगा आपको। और इसमें आपको NCVT से ITI किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें जो दिया गया है एज कैटेगरी है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन जो एज रखा गया है उसमें जो अप्रेंटिसशिप का रूल होता है 18 से 24, आप उस अनुसार अगर हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें दिया गया है, देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आप कैसे करेंगे, ये सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको ऑफलाइन फॉर्म को मैं वो भी आपको फॉर्म दिखाऊंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके, उसमें से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसको आपको उसमें फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और आपको देख सकते हैं डेट जो लास्ट रखा गया है 16 अक्टूबर 2020 को लास्ट डेट रखा गया है। और आपको कहाँ भेजना है सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया गया है मिश्र धातु निगम लिमिटेड कंचनबाग हैदराबाद, इतना पे आपको भेज देना, ठीक है, वो भी 16 तारीख से पहले ही। और फ्रेंड आगे इसमें देख सकते हैं दिया गया है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उससे बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये एडवर्टाइज नंबर है, 2 तारीख का ये फॉर्म निकला गया था, ये आप देख सकते हैं ना 4 तारीख है, लेकिन ये 2 तारीख को ही निकला गया था और इसका लास्ट डेट 16 अक्टूबर रखा गया। चलिए इसके ऑफलाइन जो फॉर्म है उस पर चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो है RDAT जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना पड़ेगा, वही पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आपको कौन से ट्रेड सप्लाई कर रहे हैं वो भरना है, नेम भर देना, सारा कैपिटल में ही भरना है आपको, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप डिजिलिबिलिटी है यानी कुछ नगरा लुला ऐसे होता है जो है वो अपना भर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कैटेगरी में आते वो, ठीक है ना। और आगे इसमें दिया गया है कि आपको कौन सा क्वालिफिकेशन है, 10th का भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कब पास किए, कितना मार्क्स था, कितना परसेंट है ये भर दीजिएगा, और ITI में कौन से मतलब NCVT SCVT वो भर दीजिएगा, पासिंग ईयर सब ये भर दीजिएगा, ठीक है। अगर पास अदर कोई भी है तो आप उसको भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन अगर है तो, ठीक है ना, लेकिन इसमें ITI के लिए सिर्फ मांगा गया है। तो फ्रेंड बस इसमें इतना ही है, और अगले मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि कोटा का जो अप्रेंटिसशिप है जिनका DB डेट आ चुका है वो, उस पर आपके चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं जिन्होंने ये फॉर्म को अप्लाई किया था कोटा अप्रेंटिस के लिए, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ अटेंड रिक्रूटमेंट सेल पर्सनल ब्रांच ऑफ DRM ऑफिस कोटा ऑन 23rd अक्टूबर 2020। आपको जो है 23 अक्टूबर को, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 23 अक्टूबर को 10 बजे तक आपको स्क्रीनिंग उसमें देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आगे इसमें जो दिया गया है 10 बजे तक आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप वहाँ पर अप्रेंटिसशिप इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ये दिया गया है, ठीक है। आपको जो भी ट्रेड्स हैं आपको मैसेज आ गया होगा जीमेल पे, आप अपना अपना जीमेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है APO कोटा, ठीक है ना। तो जिन्होंने अप्लाई किया था कोटा से उनके लिए ये मैसेज आ गया होगा और अपना वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और दूसरा जो है NFR, ठीक है, उसका भी इसी तरह से उसके पास भी मेल आया होगा,
उसका भी मेरिट लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, उसका भी आ गया है लुमडिंग का। मैं मुझे बहुत से कमेंट आ रहा था कि सर लुमडिंग का कब आएगा, तो उसका भी आ गया है। अपना अपना जीमेल चेक कर लीजिए, उसमें आपको आ गया होगा मैसेज जिन्होंने अप्लाई किया होगा। तो वो भी किसके लिए आया होगा, तो जिन्होंने 2018 से 19 के लिए लुमडिंग का फॉर्म भरे होंगे अप्रेंटिस का, उसी का आया होगा। अभी 2020 से 21 वाले का नहीं आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।